हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बच्चों हमने आपको पेज नंबर 8 पेज नंबर 9 पढ़ाया था, पार्ट 2। और आज हम पार्ट 2 पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने जो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पढ़ा था उसको पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कहानी एक भालू और शेर के बच्चे की है। तो शेर का बच्चा कितना परेशान करता है भालू को, वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर वो अपने घर भाग जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10। तो आप लोग निकालो मेरे साथ अपनी बुक, और अपनी बुक के ऊपर अपनी फिंगर रखो। तो बच्चों आपने निकाला पेज नंबर 10, आप पढ़िए मेरे साथ, अपनी फिंगर रखिए। लिखा है, अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। बच्चों यहाँ पर कौन किससे उछालने के लिए कह रहा था? शेर का बच्चा किससे कह रहा था? भालू से। भालू से कह रहा था कि मुझे फिर से उछालो। ये देखो भालू है, भालू के गोदी में जाके शेर का बच्चा बैठ गया और कह रहा है कि मुझे फिर से उछालो, फिर से उछालो। शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आया उछलने में। तो एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। फिर क्या किया? एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार ये बार बार ये होने लगा। फिर शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। अब क्या था कि शेर के बच्चे को तो उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू जो था, परंतु भालू क्या था? भालू थक कर परेशान हो गया था। वो उछालते उछालते भालू शेर के बच्चे को बार बार उछालते उछालते थक गया था, परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। लिखा है बच्चों यहाँ पर, ओह किस आफत में आ फंसा। ये कौन बोल रहा है? ये भालू बोल रहा है कि हम किस आफत में आकर हम फंस गए। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब क्या हुआ था कि भालू साहब जो थक गए थे और शेर का बच्चा मान नहीं रहा था, वो बार बार कह रहा था कि हमें उछालो, हमें उछालो, क्योंकि शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था उछलने में, लेकिन भालू तो बहुत थक गए थे। तो बार बार वो उछाल रहे थे। उछालते ही भालू ने अब इस बार क्या किया कि जब 12वीं बार भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, तो उसके बाद भालू ने क्या किया? अपने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। बच्चों अब हम पेज नंबर 11 पढ़ाएंगे। तो देखो नीचे पेज नंबर 11 लिखा है, और निकालिए आप लोग, उस पे उंगली रखो। अब यहाँ पर देखो, ये देखो ये शेर का बच्चा नीचे गिरा है धड़ाम से। क्यों गिरा? क्योंकि भालू तो बहुत परेशान हो गया था, थक गया था उसे उछालते उछालते। तो ये जैसे 12वीं बार उसने उछाला, उछालते वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो रवाना हो गया, लेकिन शेर के बच्चे को ये पता था कि जैसे हर बार भालू हमें बचा लेता है, गोद में ले लेता है, उसी तरह वो इस बार भी हमें बचा लेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने घर जा चुका था। लिखा है, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब की बार क्या हुआ कि शेर का बच्चा जो है धड़ाम से जमीन पे आ गया। देखो लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, और फिर क्या हुआ? डाल भी टूट गई। इसके बाद जैसे वो धड़ाम से गिरा है, उसके साथ साथ उसकी डाल भी टूट गई। तभी
माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ा मतलब होता है टूट पड़ा, गुस्से में ऊपर चिल्ला रहा था उसके ऊपर, शेर के बच्चे के ऊपर। फिर देखो ये माली है और ये शेर का बच्चा कैसा बैठा हुआ है। जब डाली टूटी है तो नीचे गिरा है धड़ाम से, तो माली क्या कह रहा है, डाल तोड़ दी पेड़ की। अब माली कह रहा है शेर के बच्चे से कि डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। अब लाओ हरजाना, हरजाना का मतलब होता है कि जुर्माना, हरजाना का मतलब जुर्माना लाओ। तो ये माली कह रहा है शेर के बच्चे से कि तुमने डाल तोड़ दी है, अब इसका हरजाना भरो। तो शेर के बच्चे ने कहा, अरे ज़रा ठीक तो हो लूँ। शेर का बच्चा क्या कह रहा है, बात बनाने के लिए वो कह रहा है, अरे ज़रा ठीक तो हो लूँ, एक तो मैं गिरा पड़ा हूँ, दूसरे आप हमसे हरजाना मांग रहे हो। तो वो बात बनाने के लिए उनको टाल रहा है। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ, माली ने सोचा, अच्छा ये जब तक ठीक होता है तब तक मैं इसको बोलता हूँ अभी आता हूँ। अभी अब शेर के बच्चे ने क्या किया, तो माली तो उधर चला गया, लेकिन माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब इधर क्या हुआ, माली के जाते ही शेर के बच्चा भी 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया, शेर का बच्चा भी भाग गया। तो उसने सोचा कि चलो हम भाग गए हैं तो जान बची तो लाखों पाए, मतलब हम भाग आए हैं तो माली से छुटकारा मिल गया, हमें हरजाना भी नहीं भरना पड़ा और हमारी जान भी बच गई। बच्चों आपने देखा कितनी रोचक कहानी है ये, भालू ने खेली फुटबॉल पाठ है। तो इसको अच्छी तरह मेरी वीडियो जो जाएगी उसको देखना, सुनना, समझना, उसके बाद आप इसके साथ वर्कशीट भेजेंगे, वो अपना अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय।